Assalamu alaikum, class first. Today we start our third chapter which is related to our previous chapter, noun. हमने आपको noun की definition बताई थी, उसमें बताया था कि noun is a name of person, place, animal or thing. तो noun किसका किसका नाम है होता है, किसी भी person का नाम होता है, किसी भी place का नाम होता है, किसी भी animal का नाम होता है या birds का नाम होता है या किसी भी thing का नाम होता है. तो हमने पिछले चैप्टर में थिंग्स का नाम पढ़ा था, इस चैप्टर में हम लोग एनिमल और बर्ड के नाम पढ़ेंगे. तो ये आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें क्या है, बर्ड्स और एनिमल्स हैं. तो इनके भी अपने नाम होते हैं, जैसे ये आउल है, ये जिराफ है, ये एलिफेंट है, ये मंकी है, ये ज़ेब्रा है. तो ये सब भी क्या है, नाउन है. इसके बाद आपको इसमें करना क्या है, आपको ये पिक्चर्स देखनी है और यहाँ पर आपको फिल इनकम्प्लीट वर्ड्स दिए जिसको आपको उनको फिल करना है, वर्ड्स फिल करके, लेटर्स फिल करके. तो जैसे ये था monkey, मंकी, जिराफ, ज़ेब्रा, लॉयन. इसी तरीके से आपको आगे का भी फिल करना है, ठीक है. फिर एक्सरसाइज बी में आपको यहाँ पर डोमेस्टिक एनिमल्स के नेम्स लिखने, कुछ पिक्चर्स में कुछ एनिमल्स हैं जो डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक एनिमल जो हम घर में जानवर को पालते हैं, पालतू जानवर जो हमें कुछ ना कुछ इन रिटर्न देते हैं, तो उनको हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल, घरों में पालते हैं जिनको हम. तो जैसे काऊ है, शीप है, ये सब क्या है, हमारे डोमेस्टिक एनिमल है. जैसे ये हैन है, ये डॉग है, सॉरी ये गोट है, ये कैट है, ये हॉर्स है, ठीक है. अब सी वाली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि इसमें हर सेंटेंस में दो रेड लेटर में आपको वर्ड दिए गए हैं, मतलब कलर्ड लेटर में दिए गए हैं, जिसमें से एक नाउन है और एक नाउन नहीं है. तो आपको पहचानना है कि कौन सा नाउन. हमने आपको पहले बताया कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है. तो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है आई एम अ क्विक लिटिल पप. क्विक मतलब होता है जल्दी, जल्दी कोई नाम नहीं होता. पप मतलब डॉग के बच्चे को हम पप कहते हैं, तो पप ही हमारा नाउन है. फिर नेक्स्ट है लुक एट मी, मुझे देखो, रन डाउन द हिल और पहाड़ से नीचे उतरो. तो हिल क्या है, मी मतलब मुझे तो आपका कोई नाउन नहीं है, कोई नाम नहीं है. हिल मतलब किसी भी चीज़ का नाम, मतलब एक पहाड़ का नाम है, तो वो क्या हुआ, ये नाउन. नेक्स्ट है माई मॉम सेड टू कम बैक, मेरी माँ ने कहा वापस आओ. कम मतलब आओ, आओ तो कोई नाउन नहीं है, कोई चीज़ का नाम नहीं है, लेकिन मॉम मतलब मम्मी, मम्मी एक नाम है, एक पर्सन का नाम है. फिर हेल्प योर डैड नाउ, हेल्प मतलब मदद करो अपने डैड की अभी. तो हेल्प मतलब मदद, मदद तो कोई नाउन नहीं है, किसी भी चीज़ का नाम नहीं है. डैड क्या है, डैड पर्सन है, हमारे फादर, हम उनको डैड कहते हैं, पापा कहते हैं, अब्बू कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, तो वो क्या है, नाउन है. इस तरह से आई कैन ब्रिंग दिस बिग बॉक्स टू हिम, ब्रिंग मतलब लाना, बॉक्स मतलब डिब्बा, ब्रिंग लाना तो कोई नाउन नहीं है, बॉक्स हमारा एक थिंग है, तो ये नाउन है. इसी तरीके से आपको लास्ट वाला भी फिल करना है. फिर नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर एक पोयम सी दी गई है जिसमें कुछ एनिमल्स के नेम और कुछ नाउन्स हैं, तो उसको सर्कल करना है. जैसे फर्स्ट सेंटेंस में मंकी था, मंकी नाउन है, मंकी कैन जंप एंड क्लाइंब ट्रीज, ट्रीज भी क्या है, नाउन है, पेड़ों के नाम, पेड़. फिर जिराफ एनिमल है, आर टॉल एंड दे ईट लीव्स, लीव्स भी थिंग्स हैं. फिर पैरेट आर कलरफुल एंड दे कैन फ्लाई, पैरेट भी आपका नाउन है. एलिफेंट्स कैन कांट बट वुड लव टू ट्राई, एलिफेंट्स भी आपका नाउन है. सेम इसी तरीके से आपको नाउन को सर्कल करना है. ओके.